शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लो। सारी योनियां मिलना सरल है, परंतु क्यों ये सारी योनियां, चाहे वो मेंढक की हो, चाहे छिपकली की हो, चाहे झिंगूर की हो, चींटी की हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, ये जितनी भी योनियां हैं, ये मिलना सरल है, पर सबसे ज्यादा यदि कठिन है तो मनुष्य की योनि मिलना कठिन है। बहुत जीवन के कुछ ना कुछ पाप कर्म बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे को जीवों की योनियां, पशु पक्षी जानवर की योनि मिलती रहती है, पर कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक जब भराती है, कोई सत्कर्म की गुल्लक भराती है, तब जाकर हमें ये मनुष्य की योनि प्राप्त हो पाती है, जिसमें बैठकर हम भगवान का सत्संग कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में पति भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिल जाएंगे, प्रत्येक जन्म में खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमें रहने के लिए कोई स्थान भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमारा भरण पोषण भी हो जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक जन्म में भगवान की, शिव महापुराण की कथा नहीं मिल पाएगी, जो बड़ा मुश्किल है। यह हर जन्म में नहीं मिल सकती। 84 लाख योनियों में मानव का जो देह है, ये भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का देह है, भगवान के भजन को प्राप्त करने का देह है। दर्पण से जैसे बाहर की सुंदरता को हम अपने स्वरूप के बाहर जो ये सुंदरता है, इसको हम दर्पण में देख सकते हैं, दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को दिखा देगा, दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को बताएगा, पर भीतर की जो सुंदरता है, आपके भीतर की जो रौनकता है, आपके भीतर की जो सुंदरता है, वो दर्पण नहीं बताता। आपके भीतर की सुंदरता आपके मोहल्ले में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, नगर में रहने वाले बता पाएंगे कि आप कितने सुंदर हैं भीतर से। बाहर की सुंदरता को तो दर्पण बता देगा, पर भीतर की सुंदरता को दर्पण कभी नहीं बताता। भीतर की सुंदरता को अगर कोई बता सकता है तो केवल हमारे नगर में रहने वाले, हमारे क्षेत्र में रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले हमारे भीतर की सुंदरता को बता सकते हैं कि आप कैसे हो। ऊपर से श्रेष्ठ रख लगना एक अलग विषय है। पर भीतर से श्रेष्ठ लगना एक अलग विषय है। आपने कितना सुंदर रूप बनाकर रखा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके पास में कौन सा पद है, आप कौन मिनिस्टर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये जितनी भी आपकी डिग्री है, ये जितनी भी डिग्रियां आपके पास में हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कलंत्री हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, ये जितनी डिग्रियां हैं,
ये संसार के लोग देखते हैं। मेरे महादेव के यहां ये डिग्रियां नहीं देखी जाती, मेरे महादेव के यहां तो केवल तुम्हारी जिभ्या से जो भजन किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। आप किस पद पर हो ये उसे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं, आप कितनी प्रतिष्ठा पर हो उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं, आपके भजन का बल कितना बड़ा है। होठों पर लाली लगा लेने से दूसरे देखकर खुश हो जाएंगे, पर मेरा महादेव होठों की लाली से खुश नहीं होता, मेरा महादेव ये होठ जब हिलते हैं और इसमें से शिव नाम निकलता है तब खुश होता है। ये लाली से खुश होने वाला मेरा महादेव नहीं है, शमशान का निवासी है, शमशान में रहता है और शमशान में रहते 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 कई लोग कहते हैं कि महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं है, हम कहते हैं ये आपकी भूल है कि महादेव आपकी सुनता नहीं है। एक बार दिल से आँख से अगर आंसू गिरे भी है ना तो वो आपको फूल पर चलाने की सामर्थ्यता रखता है और आपको मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता रखता है। आप उस